स्टूडेंट, आज हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। प्रोसेस या टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम आरटीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेनली इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। पहला स्टेप, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी है तो हमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना होगा। मैंने आपको ये भी बताया था, हम एनिमल सेल से, प्लांट सेल से, बैक्टीरियल सेल से, किसी भी सेल से ईजिली डीएनए को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हम यूकैरियोट में देखें तो यूकैरियोट में आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए है वो प्रोटीन से बाइंड होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये जो प्रोटीन है, इसको सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा, और प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इन यूकैरियोट्स डीएनए इज इंटरवाइंड विद प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन। इस प्रोटीन को सबसे पहले हमें ट्रिक करा के रिमूव करना होगा ताकि डीएनए हम आइसोलेट कर सकें। और कौन सा एंजाइम लेंगे? प्रोटीज एंजाइम। सबको पता है डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होगा, तो हमें उसे भी रिमूव करना होगा। तो आरएनए कैन बी रिमूव बाय राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। तो इस तरह से हमने प्रोटीन को रिमूव कर दिया, आरएनए को रिमूव कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया? डीएनए। लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि डीएनए आ गए, वो पूरी तरह से प्योर डीएनए नहीं है या प्योरीफाइड डीएनए नहीं है। तो उसको आफ्टर सर्जरल ट्रीटमेंट्स, अभी हमें और बहुत सारे वहाँ पे ट्रीटमेंट्स करने हैं, तब जाके हमारे पास प्योरीफाइड डीएनए आएगा। द प्योरीफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेट बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल ऑलरेडी क्या होता है? कूल होता है, लेकिन हमें और चिल्ड इथेनॉल में क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे पास सर्जरल ट्रीटमेंट के बाद डीएनए आएगा, उसको हमें प्रिजर्व करना होगा इस चिल्ड इथेनॉल के साथ, एंड देन कुछ टाइम बाद हमारे पास प्योरीफाइड डीएनए क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। अब आप सब जानते हैं कि जो बैक्टीरियल है, प्लांट है या एनिमल सेल है, सबकी आउटर मोस्ट सेल डिफरेंट टाइप की होती है। दैट्स वाई हमें उसी टाइप के एंजाइम्स का यूज़ करके उनकी बॉडी में से डीएनए को रिमूव करना है, अलग करना है। ठीक है, और खाली वहाँ पर हमें डीएनए नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी हमें पॉलीसेक्राइड्स भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेंगे, एंड अदर बहुत सारी चीज़ें उनके साथ साथ हमें आएंगी, और उनके साथ भी हमें सेवरल ट्रीटमेंट करनी होंगे, और फिर इथेनॉल में उसी तरह से उनको भी ट्रीट कराना होगा। द बैक्टीरियल प्लांट एनिमल सेल इज ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम। कोई भी सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, क्योंकि सबकी सेल वॉल डिफरेंट टाइप की है, तो उनको हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम के साथ क्या करना पड़ता है? ट्रीट करना पड़ेगा। ब्रोकन डाउन एंड रिलीज डीएनए, उसमें से डीएनए तो निकलेगा, बट उनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट होंगी, जैसे कि अलॉन्ग विथ प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड्स। अगर हम बैक्टीरियल सेल से किसी भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें लाइसोजाइम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको सेल को रप्चर कर देगी, एंड वहाँ से डीएनए, पॉलीसेक्राइड, लिपिड सब बाहर आ जाएगा। प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंजाइम, और एनिमल सेल है तो काइटिनेज। तो इस तरह से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके डीएनए को क्या सब करेंगे? सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया? होल डीएनए आ गया है। सपोज ये रहा आपका होल डीएनए, ठीक है, क्योंकि अब इतने बड़े डीएनए में हमें अपनी वो डिजायर्ड जीन चाहिए, जो कि हमें ट्रांसफर करानी है एक प्लाज्मिड के अंदर। तो हमें इस डीएनए में किससे ट्रीट कराना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कराना पड़ेगा। वही हमारा सेकंड पॉइंट है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमें जो सीक्वेंस चाहिए हम वो वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ले लें, ठीक है, और उस एंजाइम को इसके साथ, इस डीएनए के साथ क्या कर दें? इनक्यूबेट कर दें फॉर अ टाइम पीरियड, पर्टिकुलर ऑप्टिमम कंडीशन के साथ। तो आप देखेंगे कुछ टाइम में डीएनए जहाँ जहाँ पर जो भी हमने न्यूक्लियस एंजाइम लिया है, उस सीक्वेंस से, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से डीएनए को क्या कर देगी? तोड़ देगी, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देगी, कुछ इस तरीके से। देखिए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कोई भी जो भी आपको सीक्वेंस चाहिए या डिजायर्ड जीन चाहिए, उसको आप क्या कह रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करा देंगे। कैसे ट्रीट कराएंगे? प्योरीफाइड डीएनए, जो कि हमने यहाँ से किया है, प्लस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दोनों चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे। इनक्यूबेट मतलब एक टाइम पीरियड, 4 आवर 1 आवर, इट्स डिपेंड्स कि किस किस टाइप का आपका डीएनए एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है,
एट ऑप्टिमम कंडीशन, और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन होती है कि उसको टेम्परेचर कैसे देना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, फॉर्म फ्रेगमेंटेड डीएनए, और हमें इजिली फ्रेगमेंटेड डीएनए मिल जाएगा। अब हम फ्रेगमेंट तो मिल गए, हमें डीएनए तो इतना लंबा था, उसके छोटे 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 फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब हमें अपना डिजायर जी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि किस तरह से की जाती है। हमारे पास एक अपरेटस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए को सेपरेट फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक दो कांच की प्लेट होती है कुछ इस टाइप की, ठीक है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। इन दोनों ही प्लेट्स को हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, दोनों को हम इस तरह से एक दूसरे के पास रखते हैं, क्योंकि अब अगर हम इस तरह से रखेंगे तो कोई गैप नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, एक स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, उस स्ट्रिप को हम फोर नो साइड स्ट्रिप होती है उसको चारों तरफ हम लगाते हैं, और फिर दोनों प्लेट को ऐसे रखते हैं, थ्री साइड से हम उसको क्या कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, या एक आती है चीज़ उससे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सिर्फ वन साइड हमें यहाँ पर क्या करनी है, छोड़नी है। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर ये प्लेट ऐसे रख दी, और मैंने इसकी ये वाली साइड ब्लॉक कर दी, दिस वन, ये वाली साइड ब्लॉक कर दी एंड ये वाली साइड ब्लॉक कर दी, ठीक है, और अंदर मैं ऑलरेडी इसकी क्या लगा चुकी हूँ, स्ट्रिप लगा चुकी हूँ, जितना थिक हमें जेल चाहिए उतनी थिक मैंने यहाँ पर क्या लगा दी है, स्ट्रिप लगा दी है कुछ इस टाइप से। जस्ट वेट, मान लीजिए ये वो एक कांच की प्लेट है, मैंने यहाँ पर एक वो स्ट्रिप लगा दी, जितना भी मुझे थिक चाहिए जेल, यहाँ पर भी मैंने वो स्ट्रिप लगा दी, यहाँ पर भी मैंने वो स्ट्रिप लगा दी, और यहाँ पे भी वो स्ट्रिप लगा दी। अब जैसे ही मैंने स्ट्रिप लगा दी है, अब मैंने क्या किया, ये वाली प्लेट भी इसके साथ ऐसे लगा दी, देन अब मैंने यहाँ पर टेपिंग कर दी, यहाँ टेपिंग कर दी, यहाँ टेपिंग कर दी, हमने एग्रोल जेल प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद हमने उसको यहाँ पर फिल कर दिया, वो जो स्ट्रिप लगाई थी अब उसे रिमूव कर दीजिए आप, ठीक है, और मैंने यहाँ पर उसे क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल करने के बाद, क्योंकि एग्रो जेल की खासियत है कि वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एग्रो जेल की खासियत है कि वो पोर साइज की फॉर्मेशन करता है। तो हम दो टाइप का एग्रो जेल बना रहे हैं, एक नीचे हमने स्मॉल साइज का और ऊपर हमने लार्ज साइज का, पोर साइज का एग्रो जेल बना के दोनों डिप कर दिया था। जब हमने यहाँ डिप किया तो हमने कोम्ब, जैसे हमारे पास कोम्ब होता है, कुछ इसी टाइप का कोम्ब होता है, उस कोम्ब को हम यहाँ लगा देते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब आपका प्रॉपर क्या होगा, एग्रोस सॉलिडिफाइड हो जाएगा, उस टाइम पर आप देखेंगे इजिली यहाँ पर जो अब आपके पास प्लेट में एग्रोस जेल आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ये आपका एग्रोस जेल आ गया, ठीक है, प्लेट के अंदर। ये क्यों आया है, बिकॉज ऑफ कॉम्ब। अब कॉम्ब को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, अब जो हमारा जो डीएनए हमने यहाँ पर क्या किया था, आइसोलेट किया था, उस डीएनए को हम इन जेल इन वेल्स में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। देन एक अपरेटस है, इसको हम उस अपरेटस में क्या करते हैं, लगा देते हैं, इसे बफर से फिल कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रोड से और इधर से इलेक्ट्रोड से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोड एक यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव है डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन पास करेंगे बफर में, तो बफर में जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो धीरे 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 यहाँ इस तरह से नीचे आता रहेगा, और बिकॉज ऑफ साइज क्या होगा, स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट्स नीचे और लार्ज साइज के फ्रेगमेंट्स ऊपर अपर पार्ट में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा एग्रोस जेल था, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना सैंपल क्या किया, ऐड किया था, धीरे धीरे ऐसे करके हमारे क्या आ जाएंगे, फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, लार्ज फ्रेगमेंट्स अपर पार्ट में एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स लोअर पार्ट में। तो वही हमने किया, जैसे हमने कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, उसके लिए हमने यूज किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
डीएनए इज नेगेटिव चार्ज्ड, ठीक है, मोर टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड उसकी तरफ मूव करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया. डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया, स्मॉल साइज, बिग साइज, बेस साइज एंड अगेन लार्ज बिग साइज. डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट इज इल्यूटेड आउट, और जो हमारा डिजायर डीएनए होगा उसको हम वहां से क्या कर सकते हैं, रिमूव करके अब वहां से हम पिक कर सकते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि अब हमने क्या कर लिया, डिजायर्ड जीन निकाल ली अपनी या डिजायर्ड फॉरेन डीएनए निकाल लिया. अब हमारे पास ये छोटा सा पीस है, सपोज कीजिए अब मैं इसका टेस्ट लगा दूं और हमारा टेस्ट फेल हो जाए, फेल हो गया तो मेरा डिजायर्ड डीएनए चला गया, ठीक है, तो मुझे दोबारा से वो सारी प्रोसेस करनी होगी, तब मेरे पास दोबारा डिजायर्ड डीएनए आएगा, तब मैं एक्सपेरिमेंट लगा पाऊंगी. तो हम ऐसी गलती क्यों करें कि हम डिजायर्ड डीएनए आने के बाद उसको गलती से भी अगर हम एक्सपेरिमेंट लगा दें और हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो हमारा डिजायर्ड डीएनए रिमूव हो जाए और हमें दोबारा से प्रोसेस करना पड़े. उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए आया है इसकी हम खूब सारी कॉपी क्यों नहीं बना लेते और उसे प्रिजर्व कर लें, एंड देन अगर गलती से हमारा एक्सपेरिमेंट रिमूव हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो वहाँ से हम अपना दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ना करके वो जो हमने प्रिजर्व किया है वहाँ से हम डीएनए अगेन ले लें. तो उसके लिए जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका काम होता है रेप्लिकेशन कराने का, जो उस छोटी सी डीएनए की बहुत सारी कॉपीज की फॉर्मेशन कर देगा. एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज कैरिड आउट इन इनविट्रो, इनविट्रो मतलब लैब में कराई जा रही है. नॉर्मली रेप्लिकेशन किस में हो रही थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल में हो रही थी, लेकिन अब हम इसे लैब में करा रहे हैं, आर्टिफिशियली करा रहे हैं, दैट्स वाई इसको नाम दिया गया इनविट्रो. पीसीआर एक टेक्निक है जो कि सबसे पहले कैरी म्यूलिस ने हमें बताई थी इन 1985 में, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1993 में, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि पीसीआर की टेक्निक किस तरह से काम करती है. थैंक यू एवरीवन.